वेलकम टू हिम जॉब सलाट यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आज आपका अपने हिम जॉब सलाट यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 8000 पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में। डिटेल में हम इसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऊपर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपके पास टाइम से मिलती रहेगी। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं ऐसी लेटेस्ट जानकारी आपके पास टाइम से लेकर आता रहता हूँ। एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, इस वीडियो में वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ताकि हर नोटिफिकेशन और मतलब जो नोटिफिकेशन आई उसके बारे में आपको डिटेल में पता चल सके। और स्किप मत करना दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट का वैल्यूएबल टाइम आपसे मांग रहा हूँ, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा वीडियो को। डिटेल में वीडियो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 8000 मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती होगी, तो मुख्यमंत्री जयराम की संस्तुति से 4000 पद भरे जाएंगे। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में भर्तियों को लेकर अनौपचारिक चर्चा हुई। अगले माह होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में भर्ती प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। 4000 पद आवेदन आधार पर भरे जाएंगे, तो बाकी के 4000 पदों की नियुक्तियों पर मुख्यमंत्री अपने विवेक से फैसला लेंगे कि किसे भर्ती किया जाना है। बीते के माह से मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती का मामला लटका हुआ है, वित्त महकमे से अभी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में हुई अनौपचारिक चर्चा में कहा गया कि 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती जल्द होनी चाहिए। बीते माह से भर्ती के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए न लाने को लेकर नाराजगी भी जताई गई। एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती में 4000 पद भरने की शक्ति मुख्यमंत्री को दी जाएगी, शेष 4000 पद आवेदनों के आधार पर भरे जाएंगे। स्कूलों से घर की दूरी के हिसाब से मिलेंगे नंबर। हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए स्कूल से दूर घर की दूरी का सर्टिफिकेट लाना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी से प्रमाण पत्र जारी करेंगे। भर्ती में स्कूल से घर की दूरी के हिसाब से 2 से 10 नंबर मिलेंगे। SDM की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी नियुक्तियां करेंगी। 5625 रुपये का मिलेगा प्रतिमाह वेतन। वर्करों को प्रतिमाह 5625 रुपये वेतन मिलेगा। नियुक्तियां करने से पहले स्कूल और पंचायत के नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन लगाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास सादे कागज पर आवेदन करना होगा। स्कूल को खोलना और बंद करना, परिसर और कक्षाओं में सफाई करना, पीने के पानी का इंतजाम करना और स्कूल की डाक को अन्य विभागों में पहुंचाना इनका काम होगा। भर्ती के लिए स्थानीय स्कूल की ओर से BEO को मांग भेजी जाएगी। BEO इस मांग को निदेशालय भेजेंगे। निदेशालय से मंजूरी के बाद भर्ती का विज्ञापन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही वो नोटिफिकेशन यहाँ से इनकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली जाएगी, हमारे इस यूट्यूब पर आपको वीडियो के द्वारा पहुंचा दी जाएगी। तो अभी से इसको सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऊपर जरूर क्लिक कर लेना। वैसे ही जैसे वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें नीचे लाल आइकन का जो बटन होगा उस पर क्लिक करके। आपके कई से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं ऐसी लेटेस्ट जानकारियाँ आपके पास हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों कोई सजेशन है तो प्लीज़ इसमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से जाके भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप देखने को मिलेंगे, इनको भी यहाँ से ज्वाइन कर लेना, ताकि वेबसाइट पर अपडेटेड हर जानकारी आपके पास टाइम से मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।